हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह सुबह होटल पे खा रही हूँ पूरी, क्योंकि मुझे अभी निकलना पड़ेगा गुवाहाटी, क्योंकि एक बहुत ही ख़ास काम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास एक ही बात है। तो जा रही हूँ गुवाहाटी और सुबह सुबह बहुत ही ठंडा बस पे उठ रही हूँ। तो पहली बार जा रही हूँ ऐसे सुबह सुबह बस पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग गुवाहाटी की मतलब गुवाहाटी झालुकबारी पे हम लोग उतर गए, और अभी हमें जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे फिफ्थ सेम में एब्सेंट आई थी। तो इससे ही मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं गुवाहाटी पर जा रही हूँ। कॉलेज पे भी काफ़ी बार मैं हार्ड कॉपी और एप्लीकेशन जमा दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इसीलिए खुद ही यूनिवर्सिटी में जाके हार्ड कॉपी और एप्लीकेशन देकर आना पड़ेगा। तो मेरे साथ है मेरी एक फ्रेंड और उसकी पापा है, तो हम तीन जा रहे हैं वहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट गेट पे हम लोग घुस गए हैं, और हमें काफ़ी लंबा लाइन पे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि एक स्टूडेंट की यहाँ पर कोरोना हुआ है, तो इसीलिए लंबा लाइन किया गया। तो अभी जा रही हूँ, फाइनली हमें अंदर घुसने के लिए दे दिया, और अभी हम लोग फर्स्ट वाली ये वाली बिल्डिंग पर घुस गए थे, लेकिन ये वाली बिल्डिंग पर नहीं। और यहाँ से नीचे उतर के हम लोग और फिर साइड वाली एक बिल्डिंग है पीछे वाली, तो वहाँ पर हमें भेज दिया। और यहाँ पर ही सारी हार्ड कॉपी और एप्लीकेशन जो भी आप मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स लाए हैं यहाँ पर ही सबमिट करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं तो सोच रही थी कि कोई भी दे आएगा और हमें शायद डांटेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाके। तो मैं सबमिट कर चुकी हूँ, मैंने हार्ड कॉपी नहीं लाया, क्योंकि यहाँ मैंने कॉलेज पे पहले ही हार्ड कॉपी दे चुकी दो बार, और फिर मैंने सिर्फ मार्कशीट और एप्लीकेशन लाया। तो आप लोगों का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग यूनिवर्सिटी पे आइए और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ जमा कर सकते हैं, शायद आपकी रिज़ल्ट आ जाए। तो पता नहीं एक हफ्ते के बाद रिज़ल्ट आएगी ऐसा बोला है, तो आएगी या नहीं देखती हूँ एक हफ्ते के बाद। तो किस किस के रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, और आया है तो एब्सेंट आया होगा, तो मेरे भी फिफ्थ सेम में एब्सेंट आया है, और सिक्स में भी अभी तक मेरी रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है। तो मेरी प्रॉब्लम ये है, और आपकी भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग भी ऐसे प्रॉब्लम है तो यूनिवर्सिटी पे जाइए, हार्ड कॉपी मार्कशीट या फिर एप्लीकेशन जो भी है आप सबमिट करके दे आइए, शायद आपका रिज़ल्ट आ जाए। तो हमारा काम तो हो गया यहाँ पर, तो बहुत आसान है, तो हमने दे दिया। हमारी रिज़ल्ट एक हफ्ते के बाद आएगी, तो पता नहीं एक हफ्ते रुकते हैं आएगी या नहीं। तो अभी तो हमारा काम हो गया, अब हम जा रही हूँ घर। अभी ये बज चुका है, एक बजने वाली है। तो इतनी बड़ी शहर पे आई हूँ तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ले लिया है एप्पल एक किलो। एक किलो में सिर्फ 80 रुपया तो ले लिया एक किलो, और उसके बाद बहुत भूख लग रही थी तो खाना भी खा लिया हम लोगों ने सिर्फ 100 रुपये पे, ए पूरा भर पेट खाना मछली के साथ खाया, तो हो गया। तो अभी निकल रही हूँ घर की तरफ बस पे, तो काफ़ी रात हो जाएगी, अभी तो 2 बज गया है। तो मैं घर पे नहीं जाऊँगी, मैं रुकूँगी दालबुड़ी दीदी के घर, तो मुझे जीजू यहाँ पर लेने के लिए आ गई है। तो आज की छोटी सी वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ शायद आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है, हेल्प नहीं भी हो सकती है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अगर लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये है नेक्स्ट वाली वीडियो, आप लोग सब्सक्राइब करके इस वाली वीडियो की वेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।